hello class 7 today we are going to study 10th uh, chapter of history uh, 18th century political formations part 2 in this uh, part we study about various types of seizing independence the, about the sikhs the marathas and the rajputs and how they uh, the jats and how they recognize or establish their kingdoms etc things the sikhs first we see

और इन्होंने सोलह से पहले भी और उसके बाद भी खालसा के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और इन्होंने एक वेल well स्टैब्लिश्ड जो स्टेट था वो पंजाब बनाया इनकी डेथ के बाद सत्रह सौ तो आठ में क्या होता है कि जो खालसा पंथ था उसको उसने रिवोल्ट लिया है मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट और उसके जो प्रशासक बने वो थे बांदा बहादुर लीडरशिप में मतलब बांदा बहादुर की जो नेतृत्व में लीडरशिप में इन्होंने क्या किया कि पूरे पंजाब स्टेट को एक सोवर्नियर रूलर रूल घोषित कर दिया यानी कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के नाम से अपना क्विन चलाया और गुरु गोविंद सिंह ने ही के नाम से ही उन्होंने पूरा सतलज से लेकर के जमुना तक का पूरा एरिया जो है कवर कर लिया बांदा बहादुर जो थे इनको पकड़ लिया गया था बाद में सत्रह ईस्वी में सेवनटीन में और उसके बाद में उनको सेवनटीन में फांसी दे दी गई थी अब आता है इसके बाद जो सिखों के नाम पर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर बहुत बड़े बड़े जो सिख होते थे वो कई सारे ग्रुप्स चलाते थे जिनको बोलते थे जत्था और जत्थे में बहुत सारे सिख शामिल होते थे जिनको बाद में मिसीज भी बोला गया है ये खालसा पंथ की एक आर्मी होती थी जत्थे के रूप में जो कि लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे इनकी पूरी बॉडी जो है वो अमृतसर में मिलती है और बैसाखी के टाइम पर दिवाली के टाइम पर इन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन भी लिया कि ये लोग सभी लोगों को गुरु मंत्र देंगे और एक राखी की प्रथा इन्होंने चलाई थी उस समय जिस समय की जो किसान होते थे वो केवल अपनी प्रोडक्शन का पूरा बीस परसेंट जो है वो टैक्स के रूप में देते थे तो उस समय उन्होंने एक सिस्टम चलाया था राखी और जिससे कि जो लोग थे जो कि पूरा पुअर पीजेंट्स थे जो बहुत गरीब किसान थे उनको नुकसान ना हो जो कि अपनी पूरी फसल का बीस परसेंट देते थे टैक्स ते के रूप में तो उनका प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने गुरु मंत्र चलाया था राखी नाम से गुरु गोविंद सिंह जी, जी थे वो खालसा पंथ से बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने खालसा पंथ को भी बहुत इंस्पायर किया और इस विश्वास से किया कि ताकि भविष्य में आगे जाकर के खालसा जो है वो राज करेगा और मुगलों के खिलाफ इन्होंने मुगलों का उसमें गवर्नर था अहमद शाह अब्दाली जिसने की पंजाब में मुगलों की जो है सरहिंद सरकार बनाई थी तो इन्होंने क्या किया कि मुग़लों में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई की खालसा ने फिर अपने आप को जो एक सोवेन रूल रूल घोषित कर दिया था यानी कि उसका उसने बनाया था कि हमारा जो राष्ट्र है पंजाब वो अपने आप में स्वतंत्र राज्य है और ये किसी भी स्टेट का ये, मतलब किसी भी बाहरी व्यक्ति का या बाहरी जो है संस्था का आ, कानून का अनुपालन नहीं करेगा और इसीलिए इन्होंने अपना क्वाइन चलाया था अपने खुद के सिक्के चलाए थे खालसा पंथ ने सत्रह ईस्वी में उसके बाद खालसा में ही खालसा के पंथ खालसा पंथ में ही बांदा बहादुर के समय बहुत सारे इंस्क्रिप्शन्स भी मिलते हैं जो अभिलेख हैं उस समय भी मिलते हैं जो कि सिखों की लड़ाइयों के बारे में बताते हैं सिख टेरिटरी जो है लेटर एटीन सेंचुरी में इसका जो साम्राज्य था वो इंडस यानी कि सिंधु नदी से जमुना नदी तक फैल गया था और डिफरेंट डिवाइडेड रूलर्स जो थे वो इनके डिफरेंट एरिया में राज करते थे एक महाराजा थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह इन्होंने पूरे खालसा ग्रुप को दोबारा से यूनाइट किया और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है लाहौर सेवनटीन में अब हम बात करेंगे मराठों की मराठा जो थे उनकी किंगडम जो थी वो बच्चों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही और इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसमें शिवाजी इनका सबसे बड़ा लीडर था शिवाजी सिक्सटी हंड्रेड ट्वेंटी से सिक्सटी हंड्रेड तक ये रहे और ये एक देशमुख परिवार था जिसके जो कि एक लड़ाई लड़ने में बहुत ही ब्रेव फैमिली थी उससे बिलोंग करते थे और इनके ग्रुप में हाईली मोबाइल पीजेंट्स होते थे कुन्बीस पेस्टोरलिस्ट होते थे जो कि मराठा आर्मी के एक बैकबोन थे अब शिवाजी जो थे उन्होंने मुगलों के साथ बहुत बड़े बड़े चैलेंज लिए थे और शिवाजी की डेथ के बाद में मराठो मराठा स्टेट की पूरी पावर जो है वो चितपवन ब्राह्मण के हाथ में आ गई थी जो कि शिवाजी के सक्सेसर हुए जिनको पेशवा बोला गया बाद में और पूना में मराठा किंगडम मतलब मराठों ने अपनी राजधानी इसके बाद इन्होंने पेशवा लोगों ने पूना बना दी अब आता है कि जो पेशवा के साम राज्य में मराठा जो थे उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत डेवलप किया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बढ़ाया मुगल आर्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने कई लड़ाई लड़ी और कई शहरों में अपना कब्जा भी किया सेवनटीड ट्वेंटी सेवनटी सिक्सटी वन में मराठा एम्पायर जो थी उसने बहुत एक्सपैंड किया इनका जो राज्य था उसमें मालवा गुजरात तक भी फैल गया था सत्रह सौ बीस तक और मराठा किंगडम जो थी वो धीरे धीरे इन्होंने दक्षिण की तरफ भी अपना रुख किया और दक्षिण में जा कर के इन्होंने लेवी चौथ लेना शुरू किया सरदेशमुख लेना शुरू किया सरदेशमुखी मतलब एक टैक्स होता था जो जो कि ये डक्कन यानी कि दक्षिण से लेते थे और दिल्ली में जब इन्होंने रेड किया दिल्ली में छापामारी प्रणाली अपनाई और मुगलों का शासन था दिल्ली में तो दिल्ली में इन्होंने जब छापामारी नीति अपनाई तो सेवनटीन में क्या हुआ कि मराठों का एक बहुत बड़ा दल जो है वो दिल्ली में घुस जाता है उसके बाद वो राजस्थान में कब्जा करता है नॉर्थ में जाके पंजाब में बंगाल में उड़ीसा में भी इन्होंने पूर्व में कब्जा किया और कर्नाटका तमिलनाडु तक ये लोग पहुंच गए थे तमिलनाडु के बाद तेलुगु लोगों पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया साउथ तक और मराठा मरकिन तेलुगु लोगों को मराठा लोगों ने अपने अपने एम्पायर में शामिल नहीं किया खाली उनसे मराठा सोमनिटी के नाम पर वो थोड़ा बहुत टैक्स ले लिया करते थे नहीं तो उन्होंने तेलुगु या जो तमिल रीजन था उसको थोड़ा बहुत छोड़ दिया और सत्रह में जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय मराठों ने जो मराठों का सपोर्ट था वो बाकी लोगों ने नहीं किया और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा हार जाते हैं इसके बाद आता है कि द मिलिट्री कैंपेनिंग्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स होस्टाइल टूवर्ड द मराठास जो इनका मिलिट्री कैंपेनिंग था बहुत अच्छा था मराठों का जिससे कि दूसरे जो शशक थे वो इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते थे और इससे क्या हुआ कि दे वर नॉट इंक्लूडेड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन इनसे धीरे धीरे इनकी शक्ति से लोग जलने भी लग गए थे ईर्ष्या भी करते थे इसलिए सत्रह सौ इकसठ में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का साथ बहुत लोगों ने नहीं दिया अलाउंस एंड एंडलेस मिलिट्री कैंपेनिंग द मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल मराठों ने अपनी शक्ति साम्राज्य बहुत बढ़ा लिया था हालांकि इनका जो मतलब कंप्लीट मराठा जो रूलिंग थी वो बहुत सिक्योर थी रेवेन्यू की डिमांड भी नहीं करते थे ज़्यादा लेकिन लोग इन्हें फिर भी रेवेन्यू देते थे दोक्र कंडीशन के आधार पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा डेवलप था ट्रेड डेवलप था और मराठा जो चीफ थे उसमें सरदार थे सिंधिया ग्वालियर के गायकवाड़ थे बड़ोड़ा में भोसले नागपुर के इनकी आर्मी इनकी जो आर्मी थी वो बहुत पावरफुल हो गई थी मराठा लोगों की जो कैंपेनिंग है मालवा तक पहुंची सत्रह में जिसने आगे जा के बढ़ने का मतलब दायित्व नहीं लिया और इनके टाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली था ये इसके बाद तो उज्जैन रीजन में पढ़ते हैं तो सिंधिया जो परिवार था सिंधिया परिवार के जो वंशज थे उसमें थे होलकर इंदौर में होलकर लोग थे और ये सभी मराठों के ही आ, कह सकते हैं वंशज होते थे इनके टाइम में सिटीज जो थी बहुत लार्ज थी बहुत बड़ी बड़ी थी प्रॉस्पेरस थी समृद्धिशाली थी उसके अलावा बच्चों यहाँ पे कमर्शियल उनका ट्रेड कॉमर्स बहुत डेवलप था कल्चरल सिटी थी इनकी कल्चर बहुत अच्छा था इनका कई सारे टाइप के नृत्य वगैरह फेमस थे इनके टाइम में सिल्क जो चंदेरी सिल्क है वो मराठों के समय में समय में बहुत प्रोड्यूस होता था चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ आज भी पूना में बहुत फेमस हैं और उस समय जो है पूना को ही मराठों का कैपिटल माना जाता था फिर बुरहानपुर इन्होंने धीरे धीरे अपना ट्रेड शिफ्ट किया आगरा और सूरत में भी इन्होंने अपना धीरे धीरे ट्रेड्स डेवलप किया पूना और नागपुर जो जो थे दक्षिण के रेज रीजन और फिर लखनऊ और अलाहाबाद पूर्व में यहाँ पर इनका जो व्यापार था वो बहुत फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी हुआ अब आती है बात जाटों की जो जाट थे इनका जो इनका जो स्टैब्लिशमेंट था वो लगभग लेट सेवनटीन से एटीन सेंचुरी के बीच में हुआ है यहाँ पर चूरा अमन नाम के एक लीडर हुए बहुत ज़्यादा फेमस थे उन्होंने बहुत सारी दिल्ली की जो दिल्ली का जो वेस्ट रीजन था उस पर अपना बहुत बड़ा कब्जा किया सोलह सौ अस्सी ईस्वी में इन्होंने धीरे धीरे दिल्ली की दो इंपीरियल सिटीज़ जैसे जिसमें एक तो दिल्ली और एक आगरा यहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया चूरा ने और उसके बाद में अपनी अपना जो एक कस्टोडियन सेंटर था वो आगरा बनाया जाट में जाट जो थे उनकी खेती कृषि में बहुत अच्छे होते थे और टाउन्स में जैसे कुछ कस्बे जैसे पानीपत है वल्लभगढ़ है इस समय इनका ट्रेडिंग सेंटर का मेन एरिया था इस समय और यहाँ पर एक राजा हुए सूरजमल जो कि भरतपुर के राजा थे इस समय इनके टाइम में ये स्टेट बहुत डेवलप था जाटों के टाइम में और नादिर शाह जो थे जब दिल्ली में इन्होंने आक्रमण किया सत्रह सौ उनतालीस ईस्वी में तब नादिर शाह को जब हराया गया तो उसने यहाँ पर जा कर के रिफ्यूज भी लिया मतलब शरण ली उसका एक पुत्र था नादिर शाह का जवाहिर शाह उसने तीस हज़ार ट्रूप्स के साथ में और क्या कहते हैं बीस हजार मराठाओं के साथ पंद्रह सौ सिख ट्रूप्स के साथ में मुगलों के साथ लड़ाई की थी लेकिन भरतपुर का जो किला था वो अभी भी ट्रेडिशनल स्टाइल के लिए बहुत फेमस था और जाटों ने आगे जाकर के यहाँ पर बहुत बड़े गार्डन और पैलेसेस का निर्माण किया है अंबर और आगरा वगैरह की तरह और इसकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आर्किटेक्चरल फॉर्म में आज भी बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर गया जाता है शाहजहाँ से मतलब शाहजहां ने जैसी बिल्डिंग बनाई थी वैसे ही इनों जाटों ने भी अपनी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनाई हैं अब बच्चों यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट फिनिश हुआ आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड प्लीज सबसे में चलन शेयर माई वीडियोज टू एंड फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन गुड बाय प्लीज सबसे चलन शेयर माई वीडियोज टू बाय